कि हम जो है आपको उस तरीके से बिल्डिंग वेल्दियर कम्युनिटी के लिए प्रेरित करें और आप भी सबको प्रेरित करें, मतलब ज्योत से ज्योत जगाएं और सबको स्वस्थ रखें, सबको स्वस्थ बनाने की कोशिश करें। शुरू करते हैं अपने स्लाइड के हिसाब से, और स्लाइड में आज का जो टॉपिक मैंने रखा है वो टॉपिक है आपके नींद की अहमियत। स्लीप जो है, हाउ इंपॉर्टेंट इज इट फॉर यू, दूसरे के बारे में भी छोड़िए, सीधे सीधे अपने बारे में बात कीजिए कि नींद जो है आपके लिए कितना अहमियत रखती है। शायद अहमियत तो रखती है, यहाँ पे महिपाल सिंह जी बोल रहे हैं यस, बट हम उस अहमियत को कितना अहमियत देते हैं, कितने घंटे हम डीप स्लीप सोते हैं। कैन आई हैव सम रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स, जनरली कितने घंटे, 2, 5, 7, 8, 12, 15 कितने घंटे, 7-8 घंटे, 6-8 घंटे, 6 घंटे, 6-8 घंटे, 4-5 घंटे, 5.5, 6, 5, 6, 5। तो क्या यहाँ पे आ रही है, यदि औसत निकाला जाए इसका तो ये 5, 5.5 घंटे का औसत आ रहा है, 6 घंटे की बात हो रही है। और बहुत लोग ऐसे हैं कि 6 घंटे सो लिया तो बहुत अच्छा सो लिया वाला बात करते हैं। ऑफ कोर्स कितने घंटे सोना चाहिए, कितना घंटा कितना सही है, ये सब हम अगले सेशन में लेने वाले हैं। आज का टॉपिक सिंपल इतना रखा है कि हाउ इंपॉर्टेंट स्लीप इज फॉर यू, आपके नींद की अहमियत कितनी है। इट इज इंपॉर्टेंट तो बात समझ में आई, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी समझ में आई, बट कुछ लोग कहीं ऐसा है क्या जो समझते हैं कि नॉट सो इंपॉर्टेंट। ऐसा कोई है क्या टाइप मी, यदि ऐसा कोई भी है तो, जिसको लगता है कि नहीं स्लीप इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, ऐसा कोई भी मी अभी तक मुझे नहीं मिला, तो इसका मतलब हर आदमी इस बात से सहमत है कि नहीं ये जो स्लीप है ये मतलब आप जो है इसको इंपॉर्टेंस में कहीं पे चूकना नहीं चाहते। एंड व्हेन इट इज इंपॉर्टेंट, जब ये बहुत ज्यादा जरूरी है या इंपॉर्टेंट है, डू यू रियली पुट दिस इन योर प्रायोरिटी। मेरा सवाल ये है कि क्या आप इसको अपने प्रायोरिटी में रखते हैं क्या। जब आप थक जाते हैं, सोने की बात आ जाती है तो सो जाते हैं, जब रात हो गई अब सोना ही है, अब इससे ज्यादा नहीं जग सकते तो सो जाते हैं, बट ये क्या प्रायोरिटी में होती है। इसके हिसाब से आपका खाना, आपका लाइफस्टाइल, आपका मीटिंग, आपकी मनोरंजन, आपका नेटफ्लिक्स, आपकी मूवी, आपका टीवी, आपका न्यूज, आपका ट्रैवल, ये सब कुछ डिसाइड होता है क्या। कभी ऐसा डिसाइड होता है कि नहीं हमारा सोने का वक्त है, इसके हिसाब से हम चीजों को डिसाइड करें, ऐसा कभी होता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है उसको अहमियत नहीं देते हैं, प्रायोरिटी नहीं देते हैं। कितने लोग सहमत होते हैं इस बात से कि हम उसको प्रायोरिटी नहीं देते। अब सवाल यह है कि आप प्रायोरिटी तो दे रहे हैं और सहमत भी हो रहे हैं जो लोग नहीं दे रहे हैं, लेकिन डू यू गेट सफिशिएंट क्वालिटी ऑफ स्लीप, या आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं, स्लीप डिप्रिवेशन जिसको कहते हैं कि नींद पूरी नहीं हो रही है आपकी। ऐसे यदि हैं तो गुड स्लीप इंपॉर्टेंट है, गुड स्लीप सबके लिए जरूरी है, वी ऑल नो गुड स्लीप इज इंपॉर्टेंट, लेकिन क्यों, व्हाई गुड स्लीप क्यों जरूरी है। So let's first talk about the reasons why good sleep is important. और आज इस सेशन में मैं आपको ऐसे 9 solid reasons बताने जा रहा हूं, साइंस बैक्ड रीजंस बताने जा रहा हूं, 9 साइंस बैक्ड रीजंस why good sleep is important and very important for you. Your sleep directly is related to output, performance and your health. Overall health पे sleep का लेना देना, ये बातें तो है, लेकिन मैं ऐसे 9 साइंस बैक्ड रीजंस बताने जा रहा हूं, 9 ऐसे कारण बताने जा रहा हूं जो साइंटिफिकली प्रूवन है। ये 9 रीजंस व्हाई गुड स्लीप इज सो इंपॉर्टेंट, सो इंपॉर्टेंट, अच्छी नींद आपके लिए इतना जरूरी क्यों है। रेडी हैं, शैल आई स्टार्ट, 9 मैं बताने जा रहा हूं, सुपर। पहले से शुरू करते हैं, 9 रीजन बताऊंगा। पहला रीजन है कि गुड स्लीप कैन इंप्रूव कंसंट्रेशन एंड प्रोडक्टिविटी। ये साइंस कहता है, मैं और आप नहीं कह रहे, साइंस कहता है कि गुड स्लीप कैन इंप्रूव कंसंट्रेशन एंड प्रोडक्टिविटी। स्लीप इज इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रेन फंक्शन। आपका जो दिमाग फंक्शन करता है, स्नायु फंक्शन करती है, आपके जो दिमाग में न्यूरॉन्स हैं वो जब फंक्शन करते हैं, तो उसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्लीप।
इसमें कॉग्निशन आता है, इसमें कंसंट्रेशन आता है, जिसको एकाग्रचित्ता कहेंगे, प्रोडक्टिविटी है, परफॉर्मेंस है, ये सारा कुछ आपके स्लीप पे डिपेंड करता है। आपका रैम जो है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो आपके ब्रेन का है, वो रीस्टोर हो जाता है जब आप स्लीप प्रॉपर करके निकलते हैं। कोई एग्जाम देने जाना चाहते हैं आप, और एग्जाम देने के पहले यदि स्लीप आपकी अच्छी हुई है तो एग्जाम परफेक्ट होगा, डिलीवरी परफेक्ट होगी। कोई चीज पे यदि आपको परफॉर्म करना है, गेम है, मीटिंग है, कोई तरीके की स्ट्रेटजी है, कोई तरीके का थॉट प्रोसेस है, यदि आप ऑथर हैं, ब्लॉगर हैं, कोई क्रिएटिव काम करते हैं, ब्रश पेंट चलाते हैं, कंप्यूटर पे कुछ काम करते हैं, कोई मैटर लिखते हैं, वकील हैं, एडवोकेट हैं, कोई तरीके की ड्राफ्ट बनाते हैं, कंसल्टेंट हैं, कोई ड्राफ्टिंग करते हैं, प्लेयर हैं, खेलते हैं, ओलंपिक जाते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, कोई भी तरह की यदि परफॉर्मेंस आप देते हैं और यदि आप उसके पहले अच्छे से सो लेते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस 100% की तरफ बढ़ती है, मतलब आपका रैम पूरा काम करता है। और यदि आप स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं जस्ट अ नाइट बिफोर, ज्यादा दिन की बात नहीं करनी, तो आपका ये जो नाइट बिफोर यदि स्लीप डिप्रिवेशन है तो 50% आपकी कैपेबिलिटी, आपकी परफॉर्मेंस घट जाती है। यदि आप और ज्यादा बिगड़े तो और घट जाती है। मतलब ये हुआ कि यदि आपकी परफॉर्मेंस 100% आप कर सकते हैं, 100 1 टू 10 के स्केल में 10 कर सकते हैं, तो अपने आप वो 5 हो जाती है, आप जो करना है कर लीजिए, इतना फर्क पड़ जाता है। इस बात को हम कभी देख नहीं पाते हैं। ये पहला पॉइंट इसीलिए मैंने इसको रखा, सबसे बड़ा पॉइंट इसलिए रखा कि ये गुड स्लीप जो है, वो गुड स्लीप क्या है उस पर हम आएंगे। पहले गुड स्लीप को समझें कि वो गुड स्लीप यदि नहीं हुई है तो परफॉर्मेंस इतना ज्यादा बेकार हो सकता है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है कि गुड स्लीप कैन मैक्सिमाइज योर परफॉर्मेंस। वहां अफेक्ट कर रहा था, यहां मैक्सिमाइज करने की बात कर रहे हैं कि आपकी क्षमता यदि एक्स करने की है तो क्या आप 2x परफॉर्म कर सकते हैं, 3x कर सकते हैं, अपनी क्षमता से, अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा परफॉर्म कर सकते हैं क्या, मैक्सिमाइज कर सकते हैं क्या अपने परफॉर्मेंस को, ऑल टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस, कोई एक परफॉर्मेंस की बात मैं नहीं कर रहा, फिजिकल परफॉर्मेंस, एथलेटिक परफॉर्मेंस, मेंटल परफॉर्मेंस, ओवरऑल आउटपुट की बात करें तो गुड स्लीप क्या करता है, बहुत सारा आपके लिए परफॉर्मेंस में मदद करने के लिए, ये आपकी स्पीड बढ़ाता है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ाता है, आपका रिएक्शन टाइम बढ़ाता है, आपका मेंटल वेलबींग बढ़ाता है, आपके न्यूरॉन के फंक्शन करने की कैपेबिलिटी बढ़ाता है, एकाग्रचित्ता बढ़ाता है, फोकस बढ़ाता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है। तो क्या होता है, यदि आपकी गुड स्लीप हुई पड़ी है, आप फ्रेश जगे हैं, पहचान क्या है, जब आप सुबह में जगे तो यू गॉट अप फ्रेश एंड एनर्जेटिक। ऐसा नहीं जगे कि थोड़ी देर और सोते हैं, ऐसा नहीं जगे कि अलार्म को थोड़ा स्नूज किया, ऐसा नहीं जगे कि अरे रुको रुको थोड़ा देर और सोने, खुद से कहा, कोई आपको जबरदस्ती उठा नहीं रहा है, फिर से आपने खुद से कहा ये करवट लेके फिर थोड़ा देर और, अभी एक थोड़ा देर और। जब आप ऐसा करके उठे तो आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं, आपने नींद पूरी नहीं की है। हो सकता है 8 घंटे सोए हों, 10 घंटे सोए हों, लेकिन उठते समय यदि ऐसा हुआ, इसका मतलब स्लीप डिप्राइव्ड है, आप ठीक से नहीं सो पाए। तो ये जो पर्टिकुलर चीज है, ये आपकी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज कर देता है। अब तीसरे नंबर पे चलते हैं, और तीसरा नंबर है कि पुअर स्लीप जो है वो आपके हायर बॉडी वेट से कनेक्टेड है, आपके ओवर वेट से कनेक्टेड है, आपके ओबेसिटी से कनेक्टेड है, आपके मोटापा से कनेक्टेड है। कितने लोग इस बात को सोच के चौंक जाएंगे कि आपका यदि वजन कम करना है तो ठीक से सोना शुरू कीजिए। यदि आपका वजन बढ़ रहा है और आप परेशान है वजन के बढ़ने से, तो स्लीप के पैटर्न को चेक करिए और स्लीप को सुधारिए, कितना घंटा सोते हैं इस पे ध्यान दीजिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं, कब खाते हैं, क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, क्या लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, ऑल दैट विल सी, बट स्लीप पे पहले आएंगे। तो कितना सोते हैं ये बहुत बड़ा फैक्टर है आपके स्लीप के लिए कि आप जो है, सॉरी वेट के लिए, कि वजन आपका जितना है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप सोते कितना है, इस पे आपको लाना पड़ेगा। तो ये स्लीप का सीधे सीधे आपके हायर बॉडी वेट से कनेक्शन है। यदि आपकी नींद कम हुई, यदि आपकी नींद की क्वालिटी कम हुई, शॉर्ट स्लीप हुआ, ड्यूरेशन कम हो गई या क्वालिटी कम हो गई, तो ये सीधे सीधे आपके वेट बढ़ने के रिस्क से कनेक्टेड है, वेट गेन करने से कनेक्टेड है, ओबेसिटी से कनेक्टेड है, और ये दोनों में कनेक्टेड है, बच्चों में भी और बड़ों में भी। ऐसा नहीं है कि ये केवल एडल्ट के लिए कनेक्टेड है। यदि बच्चा ठीक से सो नहीं रहा है टाइम पे,
तो आप देखेंगे कि वो स्लीप डिप्राइव्ड होने की वजह से उसका वेट जो है चेंज होना शुरू हो सकता है। और यदि किसी पर्टिकुलर एज में ऐसा हुआ तो उससे बहुत सारे कनेक्शन हो सकते हैं, उसका T3, T4, THS से भी संबंध हो सकता है, जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहते हैं, TSH, उससे भी संबंध हो सकता है, और बाद में पूरा का पूरा सिस्टम हिल सकता है। मतलब एक बार वो मोटापे के इसमें चला गया, ओबेसिटी के ट्रैप में चला गया, ऐसा भी हो सकता है। अब तीन के बाद चौथे नंबर पॉइंट पे आते हैं। चौथा नंबर पॉइंट है कि गुड स्लीप करने वाले लोग, जिसको गुड स्लीपर्स कह सकते हैं आप, वो जो है दे टेंड टू ईट फ्यूअर कैलोरीज, उनको कैलोरी कम की जरूरत पड़ती है, वो कम कैलोरी लेते हैं। ये जरा इंटरेस्टिंग है चौथा पॉइंट। आप जो है यदि स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं, यदि ठीक से नहीं सोए होते हैं, तो आपको ज्यादा कैलोरी लगती है और आप फिर ज्यादा कैलोरी का सेवन कर लेते हैं और फिर आपके लिए वो नुकसानदायक होता है। पुअर स्लीप क्या करता है, साइंस कहता है कि पुअर स्लीप अफेक्ट्स योर हॉर्मोन्स दैट रेगुलेट योर एपिटाइट, ऐसे हॉर्मोन्स जो आपके भूख लगने को रेगुलेट करते हैं, नियंत्रित करते हैं, उनको अफेक्ट करता है आपका स्लीप डिप्रिवेशन या कम सोया। तो यदि वो अफेक्ट हो गया तो आपको बार बार भूख लगती है, आपकी एपेटाइट सिस्टम चेंज हो जाती है और आप फिर बहुत ज्यादा कैलोरी ग्रहण करना शुरू कर देते। दोज हु गेट एडेक्वेट स्लीप, डीप स्लीप या क्वांटिटी ऑफ स्लीप, क्वालिटी ऑफ स्लीप, दोनों की एक मात्रा यदि प्रॉपर बैलेंस करके लिया हुआ है, तो वो फ्यूअर कैलोरी खाते हैं और जो है वो ओबेसिटी से बचे रहते हैं, कैलोरी के जो है अननेसेसरी इंटेक से बचे रहते हैं। अब पांचवें नंबर पे चलते हैं। पांचवा नंबर ये कहता है रीजन कि पुअर स्लीपर्स हैव अ ग्रेट रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक। पिछले सप्ताह में हमने हार्ट डिजीज और स्ट्रोक की बात की थी, यंगर लोगों में होने की बात की थी। क्या आपको मालूम है कि यंगर लोग आज की डेट में जितना स्लीप करना चाहिए उस स्लीप को अवॉइड करते हैं या उस स्लीप को डिप्राइव्ड होते हैं। एक सर्वे किया गया और उस सर्वे में ये पाया गया कि युवा की बात की जाए, यंग प्रोफेशनल्स की बात की जाए, कुछ उसमें कॉलेज गोअर्स को भी रखा गया बट ज्यादा करके प्रोफेशनल्स को रखा गया और सॉफ्टवेयर कैंपसेस में ये सर्वे किए गए और ये पाया गया कि मोस्ट ऑफ द यंग पीपल दे डू नॉट गेट अप फ्रेश एंड एनर्जेटिक। वो एकदम सुबह में फ्रेश और एनर्जेटिक नहीं जगते। पहले तो उनके जगने का सिस्टम ही नहीं है। वो कहते हैं कि नाइट में ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिल जाती है तो राइट में काम कर लेते हैं और सूर्योदय हो जाता है, उसके बाद भी सोए रहते हैं, उसके बाद जगते हैं। एक तो पूरा का पूरा लाइफस्टाइल और साइकिल ही चेंज हो गया बिकॉज ऑफ देयर प्रोफेशन, बिकॉज ऑफ देयर वर्क, बिकॉज ऑफ देयर आउटपुट, बिकॉज ऑफ देयर प्रोफेशनल कमिटमेंट्स, वो एक बात हो गई। बट इसके अलावा यदि आप रिस्क की बात करेंगे तो ये रिस्क इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा युवा जो है आज की डेट में स्लीप डिप्राइव्ड है, वो फ्रेश और एनर्जेटिक नहीं जगते। आज की डेट में जितना भी कोई नेटफ्लिक्स हो या कोई इस तरीके की वेब सीरीज हो और सारा कुछ हो, सबसे ज्यादा युवा देखते हैं क्योंकि युवा के लिए ही है। नेटफ्लिक्स यहां तक कहता है अपने एडवर्टिजमेंट में या कहीं पे कि वो स्लीप से उसको कनेक्ट करता है और वो कहता है कि स्लीप और नेटफ्लिक्स। तो कहने का मतलब हुआ कि हम जो है अपने लाइफस्टाइल को तोड़ दिया, स्लीप के साथ खेल लिया, तो फिर डिजीज की बात हो रही है। और किसकी बात हो रही है, यदि 7.5 से 8 घंटे कम पर नाइट स्लीप ले रहे हैं तो ये सीधे सीधे आपके हार्ट अटैक के रिस्क को 35% से ज्यादा बढ़ा देता है, 35% से ज्यादा बढ़ा देता है, यदि आप 7.5 से कम घंटे का स्लीप ले रहे हैं लगातार। तो वीक में कभी एक बार कम हो गया स्लीप, किसी रीजन से ट्रैवल करना था, कोई बात थी, कोई वजह से जग गए थे, बात अलग हो गई। लेकिन यदि 7.5 घंटे से कम स्लीप आप ले रहे हैं तो आपकी हार्ट अटैक होने की, स्ट्रोक होने की, हार्ट डिजीज होने की संभावना 35% से ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये पांचवा नंबर पॉइंट था। छठा नंबर पॉइंट आपके सामने मैं रखना चाहता हूं और वो पॉइंट ये है कि पुअर स्लीप जो है वो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। इंक्रीज इन्फ्लेमेशन का कारण जो है पुअर स्लीप है। यदि आपकी इंक्रीज्ड इन्फ्लेमेशन है तो उसका कारण पुअर स्लीप है। अब ये इन्फ्लेमेशन जो है क्या चीज है, शरीर अपने आप को इन्फ्लेमेट करते रहता है बाहर की चीजों से लड़ने के लिए, अंदर की चीजों के लड़ने के लिए, दोनों चीज के लिए, सर्वाइवल के लिए शरीर इन्फ्लेमेट करते रहता है। वायरस से, बैक्टीरिया से, इंटरनल कोई चीज से, कोई चीज हो रही है, कोई ट्यूमर बन रहा है, कोई बात हो रही है,
आपने कोई ऐसा चीज गुड़गुड़ खा लिया है जो आपके इंटेस्टाइन में तकलीफ कर रहा है, हर चीज से लड़ने के लिए बॉडी अपने आप को इन्फ्लेमेट करता है, और इन्फ्लेमेशन हर पार्ट ऑफ द ऑर्गन में होता है। ये एक अच्छी चीज है आपके शरीर के सुरक्षा के लिए, डिफेंस के लिए। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का कि शरीर अपने आप को इन्फ्लेमेट करेगा। अब ये जो इन्फ्लेमेशन है, यदि ये हुआ और इन्फ्लेमेशन कम ही नहीं हुआ तो ये प्रॉब्लम हो गई। अब ये इन्फ्लेमेशन आपके सेल को डैमेज करेगा, आपका नुकसान पहुंचाएगा और आपको बहुत तरीके की तकलीफ देगा, और यही इन्फ्लेमेशन इज द रूट कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द डिजीज। इन्फ्लेमेशन इज द रूट कॉज ऑफ डिजीज लाइक डायबिटीज, कैंसर, हार्ट डिजीज। इन्फ्लेमेटरी कॉजेज आर द रीजन फॉर मोस्ट ऑफ द डिजीज। आज आप कोई भी डिजीज को ढूंढ के निकालिए, आपका आर्थराइटिस हो, आपका क्या बोलते हैं कैंसर हो, आपका डायबिटीज हो, आपका हार्ट डिजीज हो, ये सारे के सारे का रूट कॉज जो है इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन का रूट कॉज है कम सोना, स्लीप की क्वालिटी कम होना, स्लीप का ड्यूरेशन कम होना। ये इतना बड़ा पॉइंट है, छठा नंबर पॉइंट। और NCBI जो US गवर्नमेंट की सबसे बड़ी संस्था है रिसर्च के मामले में, उसका स्टेटमेंट है इस इन्फ्लेमेशन के बारे में। NCBI ये बात को कंफर्म करता है कि स्लीप डिप्रिवेशन लीड्स टू अ सिस्टमेटिक इंक्रीज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स इन योर बॉडी। आपके शरीर में जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं उनके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है यदि स्लीप डिप्रिवेशन हुआ तो, स्लीप कम हुआ तो, सीधे सीधे कनेक्शन है। और ये साइंस है, ये NCBI कहता है, यू कैन गूगल इट इन NCBI का वेबसाइट पे आपको ये स्टेटमेंट मिल जाएगा। तो ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है। When you sleep, the inflammation of your body comes down, उसको स्लो डाउन करता है। और स्लीप क्या कर सकता है, तो स्लीप कैन हैव अ मेजर इफेक्ट ऑन इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी। यदि किसी रीजन से इन्फ्लेमेशन हुआ है, आप यदि ठीक से सोएं तो इन्फ्लेमेशन कम होएगा। इसीलिए आप देखिए बहुत सारे डिजीज में डॉक्टर्स क्या करते हैं, स्लीप की एक दवा दे देते हैं। क्या करना चाहते हैं, आपको सुलाना चाहते हैं ताकि इन्फ्लेमेशन सेटल डाउन। आप कभी भी देखिएगा, आपको कोई तरीके की दिक्कत हो रही है, आप यदि रेस्ट कर लें, सो जाएं अच्छे से, तो बहुत बढ़िया, आपका कुछ बेहतर हो जाता है। ये इंस्टेंट रिलीफ की बात हो रही है उस समय के लिए। इनफैक्ट स्लीप लॉस इज नोन टू एक्टिवेट मार्कर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी एंड इट ऑल्सो एक्टिवेट्स योर सेल डैमेज। स्लीप यदि कम लिया आपने तो सेल डैमेज की तरफ आप बढ़ रहे हैं। आप ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया, जिसको कहते हैं ना ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस, उससे तो हो रहा है, लेकिन स्लीप यदि आपने कम कर दिया तो आपके अंदर ऑक्सीडेटिव जो प्रक्रिया है वो ज्यादा तेजी से चलने लगी, आपको एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत ज्यादा पड़ने लगेगी। और एंटीऑक्सीडेंट आप उस मात्रा में ले नहीं रहे होंगे तो क्या होगा, आपका सेल डैमेज ज्यादा तेजी से शुरू होगा। सेल डैमेज तेजी से शुरू हुआ मतलब क्या हुआ, आप एजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, आप बीमारियों की तरफ बढ़ रहे हैं। सेल डैमेज होना, फ्री रेडिकल्स पैदा होना क्या कर रहा है, दो चीजें कर रहा है, आपको ज्यादा उम्र दराज बना रहा है, आपके ऑर्गन्स को ज्यादा एजिंग दे रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, आपको ज्यादा जो है बीमार बना रहा है। एज बढ़ रही है और आपकी बीमारियां हो रही है। तो इस तरीके का ये 6 नंबर पॉइंट हुआ। मैंने टोटल 9 बोला था, मैं 7वां नंबर पॉइंट पे चलता हूं। 7वां रीजन जो है कि व्हाई स्लीप इज सो इंपॉर्टेंट इज पुअर स्लीप अफेक्ट्स ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ये लाइन जरा काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है यदि आप इसके रीड बिटवीन द लाइन करें, क्योंकि इसी से टाइप 2 डायबिटीज होती है। टाइप 1 डायबिटीज जो होती है वो कैसे होती है, वो बॉडी में सेल्फ जो है ऑटो इम्यून हो जाता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं कि बॉडी ने गफलत में पैनक्रियाज को नष्ट कर दिया और इंसुलिन बनना ही बंद हो गया। वो एक दूसरी तरीके की प्रॉब्लम है, वो 5-10% लोगों में हुई। 100 लोगों को जिसको डायबिटीज हुआ है उसमें से 5-7% लोगों को टाइप 1 डायबिटीज होती है, बाकी के 92-95% लोगों को क्या होती है, तो वो टाइप 2 डायबिटीज होती है। और टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, ग्लूकोज मेटाबोलिज्म पे ही सारा गेम है। और पुअर स्लीप ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को घटाता है।
अब आप समझिए उसकी क्वालिटी को कम करता है। अब आप समझिए कि ये पुअर स्लीप आपको प्री डायबिटिक बना रहा है, आपको डायबिटीज का लेवल पे लेके जा रहा है। तो स्लीप डिप्रिवेशन कैन कॉज प्री डायबिटीज इन हेल्दी एडल्ट्स। एकदम आप हेल्दी हैं, कोई हेरिडिटी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर में किसी को नहीं था, आपकी लाइफस्टाइल भी ठीक है, लेकिन स्लीप डिप्राइव्ड है काम की वजह से, मनोरंजन की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से, और वो आपको डायबिटिक बना सकता है। प्री डायबिटिक बनाएगा, उसके बाद डायबिटिक बनाएगा, HbA1c को 6 के ऊपर लेके जाएगा और आपको उस तरीके का प्रॉब्लम करेगा, 6.5 के ऊपर ले जाएगा और प्रॉब्लम करेगा। तो मेनी स्टडीज हैव बीन डन ऑन दिस टॉपिक और इसका एक स्ट्रॉन्ग लिंक मिला है किसका, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का और टाइप 2 डायबिटीज का। आठवां नंबर पॉइंट पे जाते हैं और आठवां नंबर पॉइंट ये है कि गुड स्लीप इंप्रूव्स योर इम्यून फंक्शन। आज की डेट में हर आदमी इम्यूनिटी बढ़ा रहा है, इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी। आफ्टर COVID-19 केम, हर चीज प्लाई वाला, सनमाइका वाला, फैन वाला, आप जिसकी भी बात करें वो इम्यूनिटी की बात कर रहा है। इम्यूनिटी बढ़ा लीजिए, इम्यूनिटी इतना बड़ा बजवर्ड बन गया। और आपको जान के ताजुब होगा कि इम्यूनिटी का बहुत बड़ा लेना देना आपके स्लीप से ही है, और उसी को हमने घटा दिया, हमने सब जगह बढ़ा दिया और स्लीप को घटा दिया, और स्लीप का ही लेना देना आपके उस इम्यूनिटी से है। तो गुड स्लीप इंप्रूव्स योर इम्यून फंक्शन। इवन अ स्मॉल लॉस ऑफ स्लीप हैज बीन शोन टू इम्पेयर योर इम्यून फंक्शन। एकदम छोटा भी आपने कम कर दिया डोज स्लीप का, तो आपके इम्यून पे सीधा सीधा उसका असर पड़ता है और आपके इम्यूनिटी सेल के निर्माण में सीधा सीधा असर आता है। इम्यूनिटी सेल्स अपने आप बनते रहने चाहिए, जिसके लिए भर के आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेने की जरूरत है इम्यूनिटी सेल्स को बनाए रखने के लिए, और उसको विघटन से बचाने के लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट लेने की जरूरत है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट तो लेने की बात है जो आप ले रहे हो, पता चला, और पता चला कि स्लीप में चूक गए तो क्या हुआ, ये वहां पे आपको डैमेज करने की बात कर रहे। अब चलते हैं लास्ट वाले रीजन पे। जो लास्ट रीजन था हमारा नौवां नंबर पॉइंट, वो है कि स्लीप इज लिंक्ड टू डिप्रेशन एंड बैड मूड। और इसको आप प्रैक्टिकली भी चेक कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में भी चेक कर सकते हैं, और यदि इस पॉइंट को समझें तो एक बहुत बड़ा हिस्सा आप कवर कर सकते हैं। वो क्या है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज की यदि बात करें, बैड मूड की बात करें, चिड़चिड़ापन होने की बात करें, इरिटेशन होने की बात करें, डिप्रेशन हो जाए, लो एनर्जी लेवल हो, तो ये सब चीज स्ट्रॉन्गली लिंक्ड है आपके पुअर स्लीप क्वालिटी से, स्लीप के ड्यूरेशन से, या कोई तरीके का स्लीप डिसऑर्डर है आपको, इंसोमनिया है, आइस आपका ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप इंसोमनिया है, इस तरह का कोई चीजें हैं, डिसऑर्डर्स हैं कोई तरीके के स्लीप के, तो ये सब चीजें पॉसिबल हैं। और डिप्रेशन और बैड मूड में आप चले जाते हैं, पहले शुरू शुरू में पता नहीं चलता, डिस ईज फॉर्म में होता है, थोड़ा 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 आप इरिटेट हो रहे हैं, हल्का सा कुछ हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन बाद में ये आपको प्रकट होके आने लग जाता है, आपका व्यवहार में दिखने लग जाता है, आपके अप्रोच में दिखने लग जाता है, और फिर आपको ये सीधे सीधे पता चलने लगता है कि ये चीजें हो रही हैं, और फिर ये आपको ब्लड प्रेशर की तरफ भी ले जाता है, स्ट्रेस की तरफ ले जाता है, और सारी चीजें करता है। तो ये 9 हमने पॉइंट्स डिस्कस किया। 9 पॉइंट को यदि मैं एक बार क्विकली रन डाउन कर दूं, तो स्लीप जो है आपके लिए इतना जरूरी क्यों है। पहला था गुड स्लीप कैन इंप्रूव योर कंसंट्रेशन एंड प्रोडक्टिविटी। कोई भी चीज जो आप करते हैं बिजनेस में, वर्क में, स्टडी में, उसकी आउटपुट को कई गुना बढ़ा देता है, स्लीप की बात कर रहे हैं। मैक्सिमाइज कर देता है आपके परफॉर्मेंस को, आप परफॉर्म कर रहे हैं उसको मैक्सिमाइज कर देता है कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी हो सकती है। आप अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, खुद का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। आप यदि एक घंटे में एक काम कंप्लीट किए थे तो अगली बार आधे घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं, ये स्लीप पे मास्टरी होने से हो सकता है। पुअर स्लीप आपके बॉडी वेट से कनेक्टेड है, मतलब आपकी ओबेसिटी, आपका जो क्या बोल सकते हैं आप, ओवरवेट होना या वजन बढ़ जाना, ये उससे कनेक्टेड है। गुड स्लीपर कम कैलोरी ग्रहण करते हैं, और ये एक बड़ी बात होती है, यदि स्लीप अच्छा नहीं हुआ तो कैलोरी का कंजम्पशन बढ़ेगा। आप यदि ठीक से सोएंगे तो हार्ट अटैक के रिस्क आपके 35% बढ़ जाते हैं कम सोने से, तो ठीक से सोना उसको रिवर्स करेगा। पुअर स्लीप लिंक्ड विथ इंक्रीज्ड इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन की बात हमने डिटेल में डिस्कस की, और ये जो है टाइप 2 डायबिटीज को न्योता देगा, उधर लेके जाएगा आपको, टाइप 2 डायबिटीज कराएगा। इम्यून फंक्शन को सीधे सीधे तहस नहस करता है, सीधे सीधे आपके इम्यूनिटी सेल के बनने की प्रक्रिया को अवरोधित करता है, रोकता है।
और हमने बात की डिप्रेशन और बैड मूड की, कि आपका जो स्लीप है वो किस तरीके से डिप्रेशन और बैड मूड को ये कर सकता है। अब हम बात करते हैं एक और इंटरलिंकिंग की। इंटरलिंकिंग मतलब एक दूसरे से कांटा फंसा हुआ है, इससे वो कनेक्टेड है। क्या चीज है? तो दो बातें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, स्लीप एंड प्रोडक्टिविटी, स्लीप एंड वेलबींग, ये दोनों इंटरलिंक्ड है। स्लीप आपके प्रोडक्टिविटी से, आपकी उत्पादकता से, आपकी आउटपुट से कनेक्टेड है। स्लीप हिला आउटपुट तो हिलेगा, ये गिरा ये गिरेगा, और स्लीप आपके वेलबींग से कनेक्टेड है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपका वेलनेस कैसा है ओवरऑल, ये इससे कनेक्टेड है। स्लीप गिरेगा वेलनेस कम होएगा, स्लीप गिरेगा बीमारियां बढ़ेंगी, आज नहीं बढ़ेंगी कल बढ़ेंगी, लेकिन बीमारी बनने का काम शुरू हो गया है। स्लीप ने बीमारी बनाने का काम शुरू कर दिया है, फिजिकल सिम्टम में अपीयर फ्यू इयर्स लेटर। डिजीज और डिसईज में फर्क यही है कि फिजिकल सिम्टम अभी आया नहीं है, अभी अंदर अंदर चल रहा है। पथरी हुआ है, किडनी स्टोन बना, लेकिन किडनी स्टोन एक कण बना था, आपको नहीं पता चला। जब पूरा का पूरा 12 mm का 18 mm का हो गया, तब आपको दर्द हुआ, आपको पेन हुआ, आपने सोनोग्राफी कराया, आपको पता चला कि पड़ गया। क्या हुआ? जब 1 mm कण था तो डिसईज था, अब डिजीज हो गया, अब आपको पता चल गया। तो स्लीप जो है जब कम हुआ तो आपके डिसईज होने शुरू हो गए, बाद में ये जब फिजिकल सिम्टम आएंगे तो डिजीज में परिवर्तित हो जाएगा। यदि इसको प्रोडक्टिविटी और वेलबींग को यदि दूसरे तरीके से समझना है, तो एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कनेक्शन है स्लीप का सीधे के सीधे प्रोडक्टिविटी से, प्रोडक्टिविटी से सीधा सीधा कनेक्शन है स्लीप का। अ सिंगल नाइट ऑफ इररेगुलर स्लीप और एडेक्वेट इनएडेक्वेट स्लीप, यदि 7 घंटे 7.5 घंटे से कम का स्लीप आपने लिया, सिंगल नाइट की बात कर रहा हूं, तो दिस कैन इंपैक्ट योर मूड, इट कैन इंपैक्ट योर परफॉर्मेंस, इट कैन इंपैक्ट योर होल आउटपुट। मल्टीपल कंसेक्यूटिव नाइट्स यदि आपने ऐसा कर लिया ऑफ इनएडिक्वेट स्लीप, तो क्या होगा? इसका लार्जर इफेक्ट होगा। एक नाइट किया तो ऐसा होता है, इसका लार्जर इफेक्ट होगा। आप कभी भी करके देखिए, एक दिन देखिए, आप कभी किसी रीजन से रात में जग गए, अब आप देखिए सुबह में आपकी कैसी सिचुएशन रहती है। मान लीजिए कि आधा आधा घंटा, एक एक घंटा रोज आप कम करते जा रहे हैं या कम कर रहे हैं, रोज 2 घंटा 1.5 घंटा स्लीप कम कर रहे हैं आप, रोज 12 बजे 1 बजे रात तक कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और उसके बाद आप सोते हैं और फिर अर्ली उठ ही जाते हैं। फिर यदि ऐसा कर रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए आप भयानक डैमेज कर रहे हैं अपने हेल्थ के साथ, और आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। जब तक पता चलेगा तब तक काफी देर हो चुका होगा, काफी देर हो चुका होगा हेल्थ के मामले में, प्रोडक्टिविटी के मामले में। आपको लग रहा है कि नहीं, रात में जग के बहुत ज्यादा काम कर दिया या बहुत अर्जेंट ये काम कर लिया, तो आप उसको रिव्यू करके देखें, जितना डैमेज किया है और जितने का काम किया है, दोनों को जब तौलेंगे तो पता चलेगा डैमेज बहुत ज्यादा किया है, प्रोडक्टिविटी बहुत थोड़ा सा। सर आपका स्क्रीन नहीं मिल रहा है, लगता है कि सर का नेटवर्क का कोई इशू हो गया है। सर रीज्वाइन करेंगे, कृपया धैर्य बनाए रखें। सर तुरंत रीज्वाइन करने वाले हैं। सर आप बाहर हो गए, ठीक ठीक मैं संभालूंगा। कुछ नेट का इशू हो गया था, अभी सर वापस ज्वाइन कर रहे हैं।
आज का टॉपिक जो है बहुत ही शानदार है, एक ऐसी टॉपिक के बारे में जो चीज को हम सबसे ज्यादा नेगलेक्ट करते हैं। यस दोस्तों, बात नींद की हो रही। जब बचपन में थे तो कम सोने के लिए परिश्रम करना पड़ता था, और जैसे जैसे उम्र होती है तो ज्यादा सोने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, नहीं तो नींद ही नहीं आती। लेकिन युवा अवस्था एक ऐसी है जो नींद भी खूब आती है और हम सोना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ वासनाओं की वजह से, कुछ ऐसी आदतों की वजह से जो हमारे लिए आवश्यक नहीं था, लेकिन हमारी बैड हैबिट ऐसी बन गई है जो हमारी नींद को रोक देती है। और हम लोगों ने हमेशा देखा है, कभी मोबाइल के चक्कर में, कभी नेटफ्लिक्स के चक्कर में, कभी फेसबुक के चक्कर में, और हम करते क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था जिसको 8 घंटे एवरेज होना ही चाहिए, उसको हम नहीं कर पाते। I'm sorry, मैं एग्जिट हो गया था, नेट कनेक्शन इशू कुछ हो गई, सॉरी फॉर दैट गुफा। Shall I start again? Yes sir, please. Welcome sir. मुझे स्क्रीन शेयर अलाउ किया जाए प्लीज। जी अभी जस्ट कर एक मिनट। यस सर प्लीज स्टार्ट। यस, तो हम लोग यहाँ पे थे वेर वी वर टॉकिंग अबाउट कनेक्शन बिटवीन स्लीप एंड प्रोडक्टिविटी। स्लीप और प्रोडक्टिविटी के बीच के कनेक्शन की बात हम कर रहे थे। अभी हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद बात करते हैं कि कनेक्टिविटी। यहाँ पे मैंने दो चीजों की बात की, एक बात की स्लीप और प्रोडक्टिविटी, और दूसरी बात की स्लीप और वेलबींग। तो ये प्रोडक्टिविटी की बात हमने की। अब वेलबींग की यदि बात करें तो चाहे वो आपका हेल्थ हो, चाहे वो वेलनेस हो, चाहे वो फिटनेस हो, आप ऑल राउंड की बात करें, आपका स्लीप से कनेक्टेड है। कितने लोग यहाँ पे जिम वाले होंगे और जिम में एक्सपर्ट्स होंगे, हो सकता है जिम के फिटनेस ट्रेनर हो यहाँ पे, हो सकता है कि रेगुलर जिम जाने वाले एक्सपर्ट्स हो सकता है कुछ डॉक्टर्स हो यहाँ पे, तो सारे लोग इस बात से सहमत होंगे कि जिम का जो फिटनेस ट्रेनर होता है वो भी ये बताता है कि आप जो है स्लीप के लिए, आप जो है स्लीप के लिए यदि आपको मसल बिल्डिंग प्रॉपर करनी है, आपको यदि वो जो फिटनेस का गोल आपने लिया है बॉडी शेपिंग का, मसलिंग का, ये सारा कुछ करने के लिए आपको स्लीप प्रॉपर लेना पड़ेगा, वो बताता है। क्यों बताता है? क्योंकि फिटनेस का उससे कनेक्शन है, वेलनेस का कनेक्शन है, और हेल्थ का कनेक्शन है। यदि आप 7 घंटे से कम सो रहे हैं तो आपका मूड परफॉर्मेंस के साथ साथ आपका पूरा का पूरा वेलबींग, बिकॉज आपका डाइजेशन, आपका मेटाबॉलिज्म ही पूरा कुछ है, उसी पे शरीर जो है चल रहा है, बिकॉज न्यूट्रिशन ले रहा है और टॉक्सिक को बाहर फ्लश आउट कर रहा है, जो फालतू चीजें हैं उसको आउट कर रहा है, जो काम की चीजें हैं न्यूट्रिएंट्स उसको ग्रहण कर रहा है। और ये स्लीप यदि कम हुआ तो ये दोनों चीजें टॉस के लिए चली जाएंगी, मतलब जो फालतू चीजें हैं वो जमा होनी शुरू हो जाएंगी, टॉक्सिक आपकी बॉडी में जमा होने लग जाएगा और आपके पास वाइसरल फैट बनने शुरू हो जाएंगे, जो सबसे गंदी टाइप का फैट है, जो सबसे बीमारी करने वाला फैट है, वाइसरल फैट वो बनने लग जाएगा। वाइसरल फैट आपके तोंद में होता है, पेट में, बेली फैट में होता है, साइड के लव हैंडल्स बनते हैं उसमें होता है, इधर उधर कमर के पीछे होता है, ये सब बनने लग गया। क्यों हुआ? क्योंकि आपने टॉक्सिक जमा करना शुरू कर दिया। सो दिस इज अबाउट दिस स्लीप। और हम बात करते हैं एक दो पॉइंट की कि स्लीप में क्विक फिक्सेस जो होते हैं वो बड़े हार्मफुल होते हैं। क्विक फिक्सेस होते हैं बहुत सारे। क्विक फिक्स क्या होता है कि स्लीप के लिए हमको लगता है कि कुछ सब्स्टिट्यूट है, हम इसको ऐसे नहीं तो वैसे कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, साइंस कहता है कि स्लीप के लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो क्विक फिक्सेस काम नहीं करते। क्विक फिक्सेस क्या होते हैं यदि मैं आपको बताऊं तो कोई गेस करे कि क्विक फिक्स क्या करते हैं हम स्लीप के लिए? स्लीप पूरा नहीं हुआ लेकिन हम क्विक फिक्स मारते हैं। क्या मारते हैं? कॉफी एक क्विक फिक्स है, एनर्जी ड्रिंक लेते हैं क्विक फिक्स है, सिगरेट पीते हैं क्विक फिक्स है। ये क्या हो रहा है कि आपका बॉडी आपको एनर्जी नहीं दे रहा है, आपकी एनर्जी लेवल कम हो रही है स्लीप कम होने से। और आपने क्या किया? आप टी की मात्रा बढ़ा दिया, कॉफी की मात्रा बढ़ा दिया,
मतलब निकोटीन और कैफीन कहीं ना कहीं से आपने लेना शुरू किया, हो सकता है कोई तरीके का एरेटिक ड्रिंक आप लेते हो, वो क्लाउड नाइन वाइन कुछ होते हैं उस टाइप के कुछ लेते हो, तो जो भी कुछ कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं आप अपने बॉडी को किक दे रहे हैं जो अदरवाइज इन्फ्लेमेशन होने की वजह से ले रहे हैं और स्लीप की नहीं होने से ले रहे हैं। तो ये क्विक फिक्सेस हैं, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन यू नो स्टिमुलस, और वो बोलते हैं ना कि कोई स्टिमुलेंट आप ले लें, उसके लिए स्टिमुलेंट्स लिया जाए, बेटर आप जो है 7 घंटे की नींद लें, अच्छी नींद लें, गहरी नींद लें और डिटेल में नींद लें, तो आपको कोई भी ये कैफीन निकोटीन जैसे स्टिमुलस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टिमुलेंट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो है और एक पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, वो ये कि नेट रिजल्ट इज मोर नॉट लेस, यू आर एबल टू गेट मोर डन। जब नाइट स्लीप की बात करें तो आज के बच्चों को, आज के जो युवा हैं उनको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में नहीं आती, और ये कॉन्सेप्ट क्या है कि नेट रिजल्ट इज मोर नॉट लेस। आप ये कहें कि नहीं मैं तो रात में 2 बजे तक जगा था, आई वॉज वर्किंग, मैं कुछ कर रहा था और रात में मेरी एनर्जी लेवल बहुत अच्छी रहती है, बहुत मेरा अच्छा काम होता है, मैं रात में ही जगता हूँ, तो बहुत लोग निशाचर होते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं निशाचर, मतलब रात में चलने वाले को निशाचर कहते हैं। और निशाचर किसको कहते हैं, कितने लोग निशाचर वर्ड समझते हैं, टाइप यस इन द चैट बॉक्स। निशा में चलने वाला, रात में चलने वाला, जिसको हम निशाचर कहेंगे, निशाचर मतलब यू कैन अंडरस्टैंड। तो हम एक्चुअली निशाचर बन गए हैं और हम समझते हैं कि हमारी रिजल्ट ज्यादा आ रही है, नेट रिजल्ट इज लेस वहां पे, लेकिन यदि आप स्लीप में टाइम डाल रहे हैं तो नेट रिजल्ट विल बी मोर नॉट लेस। आप टोटल आउटपुट निकाल लीजिए, वो जितने देर जगता है उससे ज्यादा सो लेता है, उससे ज्यादा डैमेज कर लेता है, बाकी हेल्थ वेल्थ को साइड में रखिए, वो सब एक्स्ट्रा डैमेज है। तो नेट रिजल्ट जो है, यदि आप सोच रहे हैं कि हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कंपनसेट कर सकते हैं बाद में, तो वैसा नहीं होता। और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिसको चर्चा करना जरूरी है, कि साइंस ऑफ स्लीप एंड आर्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी, ये दोनों एक जैसी बात है। यदि आपने साइंस ऑफ स्लीप समझ लिया तो आर्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी हो सकता है। इसका एक बहुत अच्छा टेड टॉक है, यदि आप लोग इस टॉपिक में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, इस साइंस ऑफ स्लीप और आर्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी में, तो एक डॉक्टर मैथ्यू कार्टर बोल के पर्सन है, डॉक्टर मैथ्यू कार्टर, जो स्लीप के लिए बहुत ज्यादा ऑथोरिटी है वर्ल्ड में, यूएस के हैं, डॉक्टर मैथ्यू कार्टर, ये जो है स्लीप स्पेशलिस्ट हैं और वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। ये डॉक्टर मैथ्यू कार्टर का भर के आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, टेड टॉक्स मिल जाएगा, टेडएक्स टॉक मिल जाएगा मैथ्यू कार्टर का, एंड ही टॉक्स ब्यूटिफुली अबाउट साइंस ऑफ स्लीप एंड हाउ इट इज एन आर्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी। यदि आप प्रोडक्टिविटी को ऊपर बढ़ाते जाना चाहते हैं, कौन आदमी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाना चाहता है मुझे बताइए, हर एक आदमी आज प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहता है, हर आदमी चाहता है कि मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, ज्यादा लाइफ में इंजॉय करने के लिए भी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना जरूरी है, ज्यादा मजे लेने के लिए भी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना जरूरी है, ज्यादा रिलैक्स करने के लिए भी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना जरूरी है। कहने का मतलब कि यदि आप अपना 10 घंटे का काम 4 घंटे में ही पूरा कर लें, 10 घंटे का काम 6 घंटे में ही पूरा कर लें, तो आपके पास 4 घंटे बचे ना एक्स्ट्रा सेलिब्रेट करने के लिए, ज्यादा मजे करने के लिए, ज्यादा मस्ती करने के लिए, ज्यादा रिलैक्स करने के लिए। तो कहने का मतलब कि आर्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी साइंस ऑफ स्लीप से कनेक्टेड है, ये एक पॉइंट हमने समझा। एक और पॉइंट हमारे पास है कि यदि इक्वेशन की बात करेंगे स्लीप एक्सपर्ट्स के द्वारा, तो दे स्ट्रेट गिव यू अ इक्वेशन, सीधा सीधा एक समीकरण देते हैं, और समीकरण ये कहता है कि स्लीप इज इक्वल टू प्रोडक्टिविटी, स्लीप इज इक्वल टू प्रोडक्टिविटी। वी फेल टू अंडरस्टैंड दिस, हमको लगता है कि स्लीप इज ऑब्स्टिकल टू प्रोडक्टिविटी, हमको लगता है कि स्लीप ही बाधा है, छोड़ो अभी जग जाते हैं पहले प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देते हैं। बिल्कुल हम रियलाइज नहीं कर रहे कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को कई गुना डैमेज कर रहे हैं, साथ में हेल्थ को भी डैमेज कर रहे हैं, लेकिन स्लीप इज इक्वल टू प्रोडक्टिविटी हम नहीं समझ पा रहे। तो ये एक पॉइंट हुआ, स्लीप इज इक्वल टू प्रोडक्टिविटी। और एक पॉइंट यहाँ पे कहना चाहूंगा कि स्लीप एपिडेमिक जो है एक चीज है, एक वर्ल्ड है, और जो स्लीप एक्सपर्ट्स हैं वर्ल्ड वाइड, खासकर स्लीप फाउंडेशन जो है यूएस का, उसमें जो है एक्सपर्ट्स हैं, और उनका कॉइन किया हुआ वर्ड है स्लीप एपिडेमिक। अब ये स्लीप एपिडेमिक क्या है, तो नेशनल स्लीप फाउंडेशन कहता है कि परसेंटेज ऑफ एडल्ट्स हु लैक एन एडिक्वेट स्लीप का सिचुएशन इस तरीके का है कि वो जो है
45% वो संख्या है, आप अंदाजा लगाइए, आधी पॉपुलेशन पकड़ लीजिए, वो ऐसे लोग हैं, रिसर्च कहता है कि आधी पॉपुलेशन, 45% ऑफ पॉपुलेशन ऐसे हैं जिनको एडेक्वेट स्लीप नहीं होता है, एडेक्वेट स्लीप नहीं होता है, ऐसी लोगों की संख्या 45% है वर्ल्ड वाइड। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक तरीके से महामारी की तरफ फैल चुका है, ये एपिडेमिक बन चुका है। और ये जो है कितना है, स्लीप फाउंडेशन यूएस का इसको कैलकुलेट किया और उसका कहना है कि ये कितना है, तो दिस इज मोर देन 2 वर्क वीक ऑफ योर प्रोडक्टिविटी एवरी ईयर, मतलब पूरे साल में 52 वीक्स होते हैं। एक अनुमान के मुताबिक लोग 2 वीक का छुट्टी कर लेते हैं, कोई सैटरडे आ गया, संडे आ गया, बीमार हो गए, कोई बात हो गई, तो 50 वीक बचा। 50 वीक में से कंप्लीट 2 वीक्स जो हैं का नेट प्रोडक्टिविटी लॉस हो जाता है बिकॉज आप स्लीप को जो है कम करते हैं। तो ये जो है प्रोडक्टिविटी से कनेक्टेड बात हो गई। अब हेल्थ की बात करते हैं, आपका जो स्लीप है, स्लीप को यदि आप बढ़ाना चाहते हैं या स्लीप को ठीक करना चाहते हैं, हेल्थ के लिए इसको ध्यान देना चाहते हैं, तो डेल्स पे काम करना पड़ेगा। डेल्स थियरी आप सबको बताया है हमने, ये मेरा ही बनाया हुआ थियरी है और काफी पॉपुलर थियरी है। और डेल्स थियरी ये कहता है कि डी फॉर डाइट, ई फॉर एक्सरसाइज, एल फॉर लाइफस्टाइल एंड एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेस एंड सप्लीमेंट, एस ऑल्सो स्टैंड्स फॉर स्लीप। बट आज जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि स्लीप को बढ़ाने के लिए डेल्स का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। तो डेल्स का इस्तेमाल ऐसे करेंगे कि आपको डाइट चेंज करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे डाइट हैं जो आपके स्लीप में दिक्कत करेंगे। डाइट के टाइम को चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज जब आप खाना खा रहे हैं और कब सो रहे हैं इस पे भी डिपेंड करता है। यदि खाए और 15 मिनट में सो गए, आधे घंटे में सो गए, डैमेज हो रहा है स्लीप। खाने और स्लीप के बीच में 2 घंटे का क्लियर विंडो चाहिए, क्लियर गैप चाहिए। तो कब खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं, ये डिपेंड करता है डाइट। एक्सरसाइज, आप कितना मेहनत करते हैं, कितने कदम चलते हैं, कितना ज्यादा कर देते हैं, कितना कम कर देते हैं। टू सेडेंट्री इज अ प्रॉब्लम, टू हैक्टिक इज अ प्रॉब्लम। आपको मॉडरेट स्पीड में रहना पड़ेगा और मॉडरेट स्पीड WHO कहता है कि आप 8000 से ज्यादा कदम चलें और 15000 से नीचे रहने की कोशिश करें, 12000 के नीचे रहें तो ज्यादा अच्छा। तो 8 से 12000 कदम यदि आप चलते हैं तो आप परफेक्ट हैं, यदि एथलीट हैं, कुछ और चीज है तो और ज्यादा चलें। तो एक्टिव रहने की बात हुई, लाइफस्टाइल की बात हुई, कब खाते हैं, कितना पीते हैं, कब पीते हैं, पीते हैं कि नहीं पीते हैं, कब जगते हैं, कब सोते हैं, नेटफ्लिक्स का क्या करते हैं, ये सारा कुछ लाइफस्टाइल से कनेक्टेड है। कितने बजे उठते हैं, स्ट्रेस, कितना तनाव लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो है वही स्लीप से कनेक्टेड है। यदि नींद आई भी तो इसकी वजह से गहरी नहीं आएगी, इसकी वजह से रुक रुक के आएगी, इसकी वजह से टूट टूट जाएगी बीच में, और जब टूटेगी तो फिर लगेगी नहीं। रात में पता चला एक बार आंख खुल गई, अब खुल गई तो करवट बदल रहे हैं, नींद आई नहीं रही है, 1 घंटे हो गए, 1.5 घंटे हो गए, नींद ही नहीं आ रही। सुबह में नींद खुल गई, अब फिर नींद ही नहीं आ रही। तो ये क्या है, यहाँ पे कुछ चल रहा है, यहाँ पे प्रोसेसिंग चालू है, तो वो स्ट्रेस हुआ। और सप्लीमेंट आपके स्लीप में बहुत कुछ ऐड कर सकता है, बिकॉज आज की डेट में हम वो भोजन, वो आहार, वो डाइट, वो चीज नहीं ले पाते हैं जो हमें लेना चाहिए। जैसा मैं बात कर रहा था आपके साथ न्यूट्रिएंट की, माइक्रो न्यूट्रिएंट की या एंटीऑक्सीडेंट की, ये सब की जरूरत है स्लीप के लिए, अमाइनो एसिड्स की स्लीप के लिए जरूरत है, और आज के खाने में हम उतना नहीं ले पाते, तो उसके लिए स्लीप की बात आएगी, तो उसके लिए आपको सप्लीमेंट पे भी जाना चाहिए। और संजोग से आपके पास सप्लीमेंट का पूरा रेंज है, जो आप गोयंग की बात करें तो आपके पास रेंज है सप्लीमेंट का। एक ये सप्लीमेंट है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो न्यूट्रीम्यूनो के नाम से है। इसके अंदर 44 वाइटल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो इंडिया का सबसे ज्यादा माना जाएगा। तो ये जो है लोडेड विथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ऑल नेचुरल है, इसके अंदर कोई चीज आर्टिफिशियल नहीं है, शुगर नहीं है, आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है, किसी तरीके का आर्टिफिशियल कलर नहीं है। तो ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट टॉपअप की आप बात करें अपने लिए, तो ये जो चीज है न्यूट्रीम्यूनो आपके लिए जबरदस्त काम कर सकता है। गोयंग हैज दिस फैबुलस सप्लीमेंट यू कैन से, जिसके अंदर स्लीप से रिलेटेड कुछ चीजों की बात करें, जैसे जिंक की बात करें, मैग्नीशियम की बात करें, मेलाटोनिन की बात करें, सबकी चीजों की इसमें प्रचुर मात्रा में टॉपअप है। इसके अलावा ट्रिप्टोफैन है इसके अंदर। ट्रिप्टोफैन वो चीज है जो आपके स्लीप को इंड्यूस करता है, स्लीप को बढ़ाता है।
स्लीप की क्वालिटी को बढ़ाता है, स्लीप तुरंत लाता है। ट्रिप्टोफैन जो बहुत सारे बनाना में, केसर में, इन सब चीजों में पाया जाता है, वो इसके अंदर है। और दिस ऑल व्हाट दे डू, ये सारे जो चीजों की बात की, जिंक, मैग्नीशियम, मेलाटोनिन, ट्रिप्टोफैन, ये सब चीज मिलके आपके स्लीप को दो तरीके से असर करते हैं। पहला, ये आपको जल्दी सोने में मदद करते हैं, जब आप सोने गए और नींद आई उसके गैप को कम करते हैं, सोए और सो गए वाला मॉडल पे ले जाते हैं। और दूसरा, ये आपके स्लीप को लॉन्गर बनाते हैं, डीपर बनाते हैं। तो ये इस तरीके का हुआ। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट आपके स्लीप से डायरेक्ट कनेक्टेड है, बिकॉज वो इन्फ्लेमेशन को सेटल कर रहा है, वो आपके फ्री रेडिकल्स को एड्रेस कर रहा है और स्लीप की क्वालिटी को बढ़ा रहा है। तो एंटीऑक्सीडेंट भी फैबुलस एंटीऑक्सीडेंट आपके गोयंग में है, और उसका नाम है टेराबेरीज। टेराबेरीज नाम का ये 1 लीटर का एंटीऑक्सीडेंट है, जो शुगर फ्री है और जिसका ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी 1,02,700 है, और उसको फाइनेस्ट एंटीऑक्सीडेंट इन इंडिया कहा गया है। और वो जो सप्लीमेंट है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारा कुछ अवेलेबल है नेक्स्ट शॉपी पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, बिग बास्केट पे, और रिलायंस है, 1MG है, हर जगह अवेलेबल है। बट आप यदि इसको नेक्स्ट शॉपी से लेते हैं तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलते हैं, स्पेशल प्राइस मिलता है और रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, कैशबैक मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो चीज है, मान लीजिए कि न्यूट्रीम्यूनो की बात करें तो 1250 इज द MRP, आपको ये नेक्स्ट शॉपी पे मिलता है ओनली 999 में। ये जो टेराबेरीज है, ये जो है 2499 रुपीज का प्रोडक्ट है, ये आपको नेक्स्ट शॉपी पे मिलता है ओनली 999 रुपीज में। और यदि अभी तक आपने नेक्स्ट मनी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो यू कैन डाउनलोड इट नाउ। अभी तक नेक्स्ट मनी पे नहीं है तो आप नेक्स्ट मनी डाउनलोड कर सकते हैं और इसको वहां से लेके वेल्दियर कम्युनिटी बनाने में लोगों की मदद कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। और Q&A में जाने के पहले, मैं कितना वक्त बचा है यदि देखें तो 7-8 मिनट बचा है। Q&A में जाने के पहले मैं ये बताना चाहता हूं, जैसा मैंने आपको बीच में भी जिक्र किया कि ये एक वास्ट टॉपिक है। अभी हमने आज सिर्फ इम्पोर्टेंस को टच किया कि इम्पोर्टेंस कितना है स्लीप का, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि कितना देर सोएं, स्लीप की क्वालिटी कैसे नापें, स्लीप को कैसे समझें कि हमारा स्लीप सही हो रहा है, कैसे पहचाने कि हमारी स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं हो रही है। इसके अलावा कुछ और भी टॉपिक हो सकती है कि स्लीप डिसऑर्डर क्या क्या है, कैसे पता करें कि हमारे पास स्लीप डिसऑर्डर है, स्लीप डिसऑर्डर को ठीक कैसे करें, या फिर हम रेमेडीज की बात करें कि यदि हमको ठीक है भाई स्लीप कम हो रहा है तो हम स्लीप को ठीक कैसे करें, स्लीप की क्वार्टर को बढ़ाएं कैसे, रेमेडीज क्या क्या है। तो ये सारा कुछ के लिए मुझे लगता है कि 1 या 2 सेशन और लेंगे, ठीक से 2 सेशन लिया जाना चाहिए। एंड अगला सेशन जो होंगे वो स्लीप पे ही रखेंगे ताकि स्लीप को हम एक मुश्त खत्म कर पाए। थैंक यू सो मच। मैं ओपन हूँ अभी Q&A के लिए, आप अपने सवाल हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। टाइप करें तो ज्यादा फास्ट होगा, समय कम है हमारे पास। मैं शेयर बंद करता हूँ और आपके सवालों को लेता हूँ। यस, थैंक यू सो मच सर। एक रिक्वेस्ट है सभी से कि आप लोग चैट बॉक्स में लिखें अपना क्वेश्चन, ताकि सर ज्यादा से ज्यादा लोगों का जवाब दे सकें। प्लीज चैट बॉक्स में लिखें अपना क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन है अंजू बाला जी का, कि वो क्लोविन 0.5 टेबलेट लेती हैं तो क्या उसका कुछ बुरा असर पड़ सकता है उनके हेल्थ पे? कौन सा टेबलेट लेती हैं? क्लोविन 0.5। ये किस चीज की दवा है? आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस मेडिसिन। मे बी के लिए बताएंगे। ओके ओके सर, एक क्वेश्चन है कि एक्टी लाइफ कैप्सूल है, कोई बता रहे हैं कि नींद की दवा है। मैं एक इसमें सब लोगों के लिए एक आंसर दे दूं इस सवाल का, कि नींद के लिए दवाई कभी नहीं ली जाए अनलेस अदरवाइज डॉक्टर कहते हैं कि ये लेना जरूरी है। डॉक्टर को मालूम है कि नींद के लिए दवाई ली जानी चाहिए, और वो भी 3-4 दिन के लिए ली जानी चाहिए, 5 दिन के लिए ली जानी चाहिए, नॉट एक्सीडिंग अ वीक नींद की दवा होनी चाहिए। बट यदि आप सीरियस डिप्रेशन में हैं, यदि कोई बहुत इस तरीके का प्रॉब्लम है जो डॉक्टर एक्सपर्ट है बताने के लिए कि नींद की दवा देनी है, यदि आप 5-4 दिन से ज्यादा नींद की दवा लेते हैं तो आप अपने स्लीप को परमानेंटली डैमेज कर रहे हैं, उसके बाद रिपेयर नहीं कर पाएंगे। ये एक वीसीएस सर्कल है, बहुत गंदा वीसीएस सर्कल है। नींद के टैबलेट से आपकी नींद उड़ती है, ये अगले सेशन में मैं अच्छे से कवर करूंगा, ये छोटा टॉपिक नहीं है। गुड दैट अगले सेशन में भी हम स्लीप ले रहे हैं, मैं इस टॉपिक को डिटेल में कवर करूंगा। आज इतना ही लेके चलिए कि नींद की दवा कभी ना लें, डॉक्टर ने दिया है तो भी 3-4 दिन वाली बात रखें, क्योंकि आपका वही ऑपरेशन हो गया,
कोई बहुत बड़ा स्टिच लग गया, कोई ऐसी चीज हो गई तो नींद की दवा देनी पड़ेगी, कोई ऐसा चीज हुआ जिसमें इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हो गया है, सीआरपी बहुत बढ़ गई है तो नींद की दवा देनी पड़ेगी। डॉक्टर इज द बेस्ट डॉक्टर, ही विल नो कि शी विल नो कि क्यों देना है, बट डॉक्टर भी कभी तीन चार दिन से ज्यादा नहीं देगा। तो इसलिए यदि नींद की आप दवा लगातार ले रहे हैं, बेटर चेंज योर डॉक्टर, बेटर चेंज योर मेडिसिन। नींद की दवा लेना नींद को हमेशा के लिए हटाने जैसी बात। यस प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर, यस एक सवाल है कि क्या 8 घंटे लगातार सोना चाहिए या फिर 6 से 7 घंटे दिन में और 1-2 घंटे दिन में सोना भी ठीक है? यदि आपके पास कोई मजबूरी है, यदि आप किसी ऐसे जॉब नौकरी में काम करते हैं कि आपको जो है 12 बजे के पहले घर पे आ नहीं पाते या सो नहीं पाते, और आप अर्ली राइजर हैं और सुबह जगते ही हैं कोई काम की वजह से या स्वास्थ्य की वजह से, रूटीन की वजह से, तो फिर वो जो कम पड़ गया 2 घंटा उसको कंपनसेट कीजिए, कभी दिन में 1 घंटा सोइए, उसकी एक बात हो गई। आप शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं तो अलग अलग तरीके से सोना पड़े, लेकिन अदरवाइज यदि स्लीप की बात की जाए तो 7.5-8 घंटा एक मुश्त स्लीप होना चाहिए। भगवान ने इसी तरीके से पूरे सिस्टम को बनाया हुआ है कि आपका सूर्यास्त होता है और सूर्योदय होता है, सनसेट होके कहता है कि अब जो है मेलाटोनिन का प्रोडक्शन चालू हो गया। इट इज नॉट दैट कि आप इसको इंस्टॉलमेंट में अपनी मर्जी से ले लें कि अभी टोटल 8 घंटा है, 2 घंटा अभी, 2 घंटा तभी, 2 घंटा दोपहर में, 2 घंटा शाम में, नॉट लाइक दैट, बिकॉज इसका पूरा का पूरा लेना देना आपके मेलाटोनिन से है, खास तरीके के हॉर्मोन से है, आपके स्लीप इंड्यूसिंग हॉर्मोन से है, आपकी बॉडी में किस तरीके से ये बन रहे हैं और कब रिलीज हो रहे हैं उससे लेना देना। तो वो कब बनेंगे उसका एक साइंस है, उसका साइंस ये है कि शाम को जब सन छुप जाएगा, अंदर चला जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, तो अंधेरे में मेलाटोनिन प्रोडक्शन होएगा आपके दिमाग में, डीप इनसाइड एक मटर के साइज का चीज है जो अगले सेशन में मैं उसको भी इंक्लूड करूंगा। मटर के साइज का एक ऑर्गन है जिसका नाम है पिनियल ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड एक छोटी सी ग्लैंड है मटर के साइज की, डीप इनसाइड योर ब्रेन। उसका काम है लाइट के हिसाब से रेगुलेशन करना, पता लगाना कि अब आप सोने जाओगे कि नहीं जाओगे, वो सिग्नल चालू कर देता है। उसको 3 से 3.5 घंटे लगते हैं, फिर से मैं रिपीट करता हूं, 3 से 3.5 घंटे लगते हैं पीनियल ग्लैंड को सिग्नल स्टार्ट करके सुलाने में। और यदि आप एलईडी लाइट में रहते हैं, पूरी ब्राइट एलईडी लाइट जल रही है, पूरा ब्राइट मोबाइल का ब्लू रे निकल रहा है, स्क्रीन पे बैठे हुए हैं अभी तक हम लोग, ये यदि चीजें कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो पीनियल ग्लैंड को सिग्नल डिफरेंट जा रही है, वो उसको अंधेरा नहीं समझ रहा है, वो उसको 3.5 घंटे लगेंगे वो सिग्नल स्टार्ट करके कंप्लीट करने में। तो मेलाटोनिन रिलीज होगा जो स्लीप इंड्यूसिंग हॉर्मोन्स है, तो रिलीज ही नहीं होगा उस कोटा में तो आपको वो नींद आएगी ही नहीं। तो इसलिए आपका कोटा नहीं हो सकता, आप जो है सॉरी स्टेगरिंग 2-2 घंटे 3-3 घंटे नहीं हो सकता। आप जब सोए तो कोई जरूरी नहीं है कि कोई 8 ही घंटा सोए, देयर इज नो थंब रूल, इसको भी हम अगले सेशन में कवर करेंगे। इसलिए मैंने बोला बहुत सारे ऐसे टॉपिक हो सकते हैं जो आपके सवाल से ही मुझे निकलेंगे और मैं कवर करूंगा, बट ऐसा हो सकता है कि स्लीप हर आदमी के लिए अलग अलग हो सकता है। सम पीपल कैन स्लीप ओनली 6 आवर्स एंड गेट अप फ्रेश एंड एनर्जेटिक, एंड सम पीपल कैन स्लीप फॉर 10 आवर्स एंड गेट अप टायर्ड, हो सकता है। तो स्लीप घंटे में नहीं नापा जा सकता, बट साइंस कहता है कि 7.5 से 8 घंटे आपको कम से कम सोना चाहिए। Hope I have answered your question. Yes, sir. Sir, योगेंद्र शर्मा जी का सवाल है कि अस्थमा के लिए कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए? अस्थमा तो देखिए एक बीमारी है और उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, आपको अपने लंग का कंडीशन चेक करना चाहिए कि लंग किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। अस्थमा एलर्जेटिक है कि अस्थमा किसी पर्टिकुलर कफिंग से हो रहा है, इसको पता करना है। अस्थमा एलर्जेटिक बहुत ज्यादा मात्रा में होता है कि हो सकता है कि कोई कंजेशन जो हो रही है वो नहीं हो रही है लेकिन एलर्जेटिक है। आपको एक डस्ट आया, अस्थमा का अटैक आ गया, आपको जो है कोई तरीके का किचन में कोई किसी ने सब्जी बनाना शुरू किया, फौरन डला और आपको अस्थमा चालू हो गया। अस्थमा के कोई स्मेल आया खास तरीके का चालू हो गया, पॉलन से चालू हो गया, मतलब आपके तकिया में, आपके पुराने चादर में, आपका बेडशीट यदि बहुत समय से बिछा हुआ है या कोई घुमसा हुआ जगह है जहां पे कि कोई पॉलन डेवलप हो गए हैं माइक्रोबैक्टीरियल, उससे एलर्जी है। तो अस्थमा ट्रिगर कहाँ से होता है ये अस्थमा वाले बता सकते हैं, डॉक्टर बता सकते हैं, पूरी तरीके से अवेलेबल है आज की मेडिकल साइंस में आपका एलर्जी टेस्ट। आप बहुत सारे इंजेक्शन दे दे के सर्कल मार मार के लेते हैं और वो पता लगा लेंगे कि किस चीज़ से एलर्जी है आपको, और कफ से है, कंजेशन से है। तो ये बाकी साइनस का आपका जो साइनसाइटिस का जो पूरा का पूरा नेजल कैविटी है उसमें क्या है, ये एक बात हुई। बाद में डॉक्टर के दवा की बात है, आपका स्नोफिल का रीडिंग क्या है, आपका पूरा
सीबीसी प्रोफाइल चेक करें और आप स्नोफिल का लेवल चेक करें, आप बाकी चीजों को चेक करें, तो एक मेडिकल तरीके से पहले उसको एड्रेस करें कि आपकी स्थिति क्या है, व्हाट इज ट्रिगरिंग दैट, और तब आए इलाज पे। इलाज के लिए सीतोपलाद चूर्ण करके चीज आती है, जिसमें आपको डाबर में भी मिलेगा, वैद्यनाथ में भी मिलेगा, कोई भी आयुर्वेद में मिलेगा, कोई वैद्य जी के भी पास मिलेगा, सीतोपलाद चूर्ण। उसको यदि आप हनी के साथ इस्तेमाल करते हैं तो दिस विल गिव यू अ वंडरफुल रिजल्ट। ये एक ऐसा दवा है, एक ऐसा साइंस है जो यदि अस्थमा वाले यूज करते हैं तो उनको बेहतरीन फायदा मिलेगा। बाकी जो आपके क्लिंजिंग वाले जो प्राणायाम है, कुछ भी हो सकता है, आप जो सांस लेने छोड़ने से लेके भ्रामरी से लेके कोई भी चीज यदि करते हैं, नहीं करते हैं तो करना शुरू कीजिए, बिकॉज ये मामला पूरे के पूरे लंग्स का है। आपको क्लियर रखना है, यहाँ पे इसको क्लियर रखना है, इसको क्लियर रखना है, कंजेशन हुआ है, ट्रैफिक जाम हुआ है, उसको क्लियर करना है। यू कैनॉट से कि ट्रैफिक जाम जो हुआ है उसमें क्या, ट्रैफिक जाम किस वजह से हुआ है वो पता कीजिए। एक गाड़ी खराब हो गई है तो गाड़ी को हटाइए, खड्डा बना है खड्डा को भरिए, अनऑथराइज पार्किंग हो रही है अनऑथराइज पार्किंग को हटाइए। जब तक रीजन पता नहीं हो तब तक कैसे बोलेंगे ट्रैफिक क्लियर कर। होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस सर। सर एक्टी लाइफ का जो कैप्सूल है और ड्रॉप्स है उसको टेराबेरी के साथ ले सकते हैं ना? एक्टी लाइफ कैप्सूल ऑल टुगेदर डिफरेंट है, उसका काम है आपके लिपिड प्रोफाइल को ठीक करना। एक्टी लाइफ कैप्सूल जो है वो लिपिड प्रोफाइल के लिए है, वो अलग चीज है। एक्टी लाइफ LIFE है वो, और जो एक्टी लाइफ ड्रॉप है वो LYF है, इसका काम ऑल टुगेदर डिफरेंट है। एक्टी लाइफ जो है वो एंटी ऑक्सीडेंट का कंसनट्रेट फॉर्म है जो आप पानी के ड्रॉप में ले सकते हैं, तो दोनों दो चीजें। अब रहा टेराबेरी, तो टेराबेरी एक एंटीऑक्सीडेंट है, तीनों का तीनों से कोई संबंध नहीं है, तीनों लिया जा सकता है, तीनों अलग अलग लिया जा सकता है, तीनों साथ में लिया जा सकता है, तीनों के तीन पर्पस हैं। एंटीऑक्सीडेंट अलग है और आपका लिपिड प्रोफाइल जिसको कोलेस्ट्रॉल कहेंगे, या आपके ट्राइग्लिसराइड है, होमोसिस्टीन है, टोटल कोलेस्ट्रॉल है, आपके कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम है, एथेरोस्क्लेरोसिस टाइप की चीजें हैं, उसके लिए वो चीजें। यस प्लीज। सर एक है कि पेट में गैस कब्ज बहुत ज्यादा बनती है, इसके लिए क्या लेना चाहिए? आपके पास बेहतरीन दो प्रोडक्ट हैं। आपके पास एक तो प्रोडक्ट है जिसका नाम है डाइजेस्ट, और वो ड्रॉप है, वो पानी में अपने पानी के वाटर बॉटल में डालिए, आपके जग में डाल दीजिए, आपके वाटर फिल्टर जब पानी भर गया तभी उसमें टपका दीजिए, और सब लोगों के साथ ले सकते हैं, आप खुद भी ले सकते हैं। तो वो डाइजेस्ट हुआ, जिसके अंदर आपके पास ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं, जिसमें सौंफ है, आपका धनिया है, और ये जो चीजें हैं ये इस तरीके से हैं कि अजवाइन है। तो ये जो चीजें हैं आपके पेट के लिए एनीवे इस्तेमाल किया जाता है, उसका एक्सट्रैक्ट है, उसका अर्क में से निकाला हुआ चीज है, जो आप दो ड्रॉप डाल के लिया, एक हथेली पे लेके अजवाइन फांक के चबाया और वो दो ड्रॉप डाला बराबर है, उसके साथ साथ आपका धनिया भी है, उसके साथ सौंफ भी है, फनेल सीड, तो ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो वो एक फायदा हुआ, नेचुरली आपकी एसिड प्रोडक्शन कम हुई है तो रेगुलेट करनी है तो एंटासिड लेने के बजाय डाइजेस्ट लीजिए, ये एक बात हुई। दूसरी चीज ऐसी है आपके पास करके समथिंग कॉल्ड स्लिम एंड डिटॉक्स, ये पाउडर फॉर्म में है, स्लिम एंड डिटॉक्स। बेसिकली ये कोलोन क्लिंजिंग के लिए है, बेसिकली ये वेट मैनेजमेंट के लिए है, वेट लॉस के लिए है। लेकिन किसी का डाइजेशन में कोई दिक्कत है, अफड़ा बनता है, गैस बनता है, आपका ब्लोटिंग होती है, आपकी एसिडिटी होती है, रूट कॉज को हटाइए, बड़ी आंत का जो अलाखड़ी हिस्सा है, कोलोन है, उसको क्लींज कीजिए। पंचकर्मा करके कीजिए तो एक बात है, और बिना पंचकर्मा किए या पंचकर्मा के साथ साथ यदि करना चाहते हैं कोलोन क्लींजिंग, तो आप जो है स्लिम एंड डिटॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। ये दो ऐसी चीज है जो आपको यदि रेगुलर ले रहे हैं तो आपके उस एसिडिटी वाले टॉपिक को, और बाकी एसिडिटी के टॉपिक के लिए चाहिए तो मैं फिर से एक सेशन लूंगा जिसमें कि खाने पीने के ही टॉपिक पे पूरा कुछ डिपेंड करता है, कब खाते हैं, कितना खाते हैं, कैसे खाते हैं, कहाँ खाते हैं, कितनी बार खाते हैं, कितने देर तक खाते हैं, कितने कम समय में खा लेते हैं, चबा के कितना खाते हैं कि बिना चबाए घोट जाते हैं, ये सब कुछ एसिडिटी से कनेक्टेड है। मान लीजिए कि मैं खाने के पहले गटगट गटगट एक गिलास पानी पी लिया, खाते समय भी दो चार बार पानी पी लिया, और खाने के बाद जग ढाल ढाल के दो गिलास पानी पी लिया, पूरा सत्यानाश हो गया, क्योंकि जो मेरा एसिड था, जो एसिड था पेप्टिक एसिड जिसका कि पाचन से संबंध था, वो पूरा डाइल्यूट हो गया, अब पचाया ही नहीं तो वो आंत में बिना पचे जाने वाला है छोटी इंटेस्टाइन में, तो पहला प्रॉब्लम कर लिया। दूसरा ऐसा हो सकता है कि मैं जल्दी जल्दी में बात कर करके खा लिया, जल्दी जल्दी में चबा के खा लिया, तो मैंने इसको चबाया ही नहीं, यहाँ पे चबाएंगे तो यहाँ पे जो है पाचन रस बनेगा, सलाइवा बनेगा, लार बनेगा,
जिसमें वो सनेगा तो फूड पाइप से उतर के जाएगा तो उसका प्रोसेस होएगा। ये तो बना ही नहीं, आपने फटाफट खा लिया, रेडी टू ईट, रेडी टू मिक्स, रेडी टू कुक, रेडी टू गल्प, आपने खटाखट डाल दिया अंदर, तो वो तो प्रोसेस से गया ही नहीं, आपने चबाया ही नहीं, 32 बार चबाना था, 32 दांत दिए थे, उसको चबाया ही नहीं। तो ये सारे इश्यूज यदि आपने किए हैं तो फिर वहां पे दिक्कत आएगी। तो आई थिंक ये तो बहुत सारे लाइफस्टाइल से डिपेंडेंट है, खाने से डिपेंडेंट है, क्या खा रहे हैं उस पर डिपेंडेंट है, बहुत सारी चीजें। सर ये लास्ट क्वेश्चन सर, कैसे पता करें कि डीप स्लीप उनकी कितनी होगी तो उनके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, और कैसे पता करें? लंबा सब्जेक्ट है, इसीलिए मैंने कहा कि आई विल हैव टू टॉक ऑन दैट सेम टॉपिक नेक्स्ट सेशन में। ओके सर, ये एक लाइन में बताने वाला नहीं है, तो इसको पेंडिंग रखिए, अगला सेशन में इसी टॉपिक्स पे लेने वाला हूँ और मैं आधे घंटे उस पर बात करने वाला हूँ, 20 मिनट, जो कि वंस एंड फॉर ऑल आपके लिए वो टॉपिक ग्रिप में आ जाएगा। ओके सर, तो सर समय हो चुका है सर, तो थैंक यू सो मच सर। सॉरी बहुत सारे सवालात हैं इसमें, सबका सवाल लेना पॉसिबल नहीं है, सॉरी फॉर दैट। एक काम करेंगे, ये सेशन रिकॉर्डिंग में है ना, ये सेशन रिकॉर्डिंग में है। What we will do is, आप सब लोगों ने जितने भी क्वेश्चन डाले हैं वो परीक्षा मैडम इसका चैट का डाउनलोड कर लीजिएगा। Yes. उसमें से जितने सवाल होंगे उसको मुझे आप ईमेल में डाल दीजिएगा, मैं अगले सेशन के उसमें इनकॉर्पोरेट कर लूंगा या आंसर वहीं पे दे दूंगा, तो किसी का सवाल छूटेगा नहीं, इसकी गारंटी। ओके सर, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, गुड नाइट सर, थैंक यू।